अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह आसिम अज़हर को आईबीए के फंक्शन के दौरान आनिया आमिर का नाम लेकर चढ़ाया गया, जिसके नतीजे में आसिम अज़हर आग बगुला होकर अपने और आनिया आमिर के रिलेशन के बारे में बताते हुए भी दिखाई दिए। आप इस वीडियो में देखेंगे, मगर इससे कब आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आनिया आमिर आसिम अज़हर काफ़ी अरसे तक रिलेशन में रहे, जिसके बाद बहुत से लोग ये कहते हुए भी नजर आए कि इन दोनों ने खुफिया तौर पर मंगनी और निकाह कर लिया है। आनिया आमिर बहुत दफ़ा आसिम अज़हर के साथ देखी गई, और ना सिर्फ देखी गई बल्कि बहुत रोमांटिक अंदाज में आसिम अज़हर उनके गाना गाते हुए भी देखे गए। लेकिन एक दिन अचानक आसिम अज़हर ने आनिया आमिर के बजाय मीरब अली से मंगनी करके तस्वीर शेयर करते हुए सबको हैरान कर दिया। आसिम अज़हर मीरब के साथ बहुत से इवेंट्स पर नजर आए, कोई आनिया आमिर आसिम अज़हर के ब्रेकअप की वजह मीरब को कहता रहा तो कोई आसिम अज़हर को बेवफा के ताने देता रहा, मगर इसके बरअक्स आनिया आमिर और आसिम अज़हर ने कोई भी बात नहीं की। लेकिन अब आसिम अज़हर ने आनिया आमिर अपने रिलेशन के बारे में बात कर दी है। आपको बताते चले कि हाल ही में आईबीए के इवेंट के दौरान आसिम अज़हर का कॉन्सर्ट रखा गया, और कुछ लोग आसिम अज़हर के कॉन्सर्ट के दौरान कभी आनिया और कभी मीरब का नाम लेकर चिढ़ाते रहे, जिस पर आसिम अज़हर आग बबूला होकर शो छोड़कर चले गए। रहते और उसके बाद क्या हो गया बेटा? इजी हो जाए, आईबीए आए हो ना, इजी हो जाए। ये पागलखाने, पढ़े लिखे लोग हैं सारे, हैं रिलैक्स रहे, बिल्कुल रिलैक्स रहे। कॉन्सर्ट में भी जाना है इसके बाद, या कॉन्सर्ट कैंसिल कराना है आप लोगों ने? हाँ, ऐसे ऐसे ना करना कि पूरे साल फिर जलील ही होते रहो स्टूडेंट्स में। बट